government is not interfering. Thank you. I don't think there is any necessity this kind of Deepak Prakash. 2 minutes. मैं इस बिल के समर्थन के लिए खड़ा हूं सर. यह विधेयक ऐसे समय में लाया गया जो अमृत काल में ये गागर में सागर भरने वाला बिल है सर. और ये विधेयक 2015 की रीट के बारे में कांग्रेस के कई सदस्यों ने चर्चा की. वो आधा अधूरा निर्णय को सदन के पास ला रहे हैं लेकिन सच में ये बिल ये विधेयक जो है सो इस निर्णय के अनुसरण में लाया गया है. उसी अनु बर्नवाल बनाम भारत संघ के जो निर्णय आए थे उसी के अनुसरण में लाया गया है और उसके अनुसरण करते हुए सदन को अधिकार है कोई कानून बनाने का और कोई कानून को निरस्त करने का. और हमको फक्र है हम सब लोगों को फक्र है कि हम उस सदन के सदस्य हैं जहां कानून बनता है और कानून को निरस्त किया जाता है. यह सदन इसमें इस पूरे विधेयक में नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी है सर तथा लोकतांत्रिक ढंग से इसमें नियुक्ति की प्रक्रिया बनाई गई. और मैं जानना चाहता हूं कि इस विधेयक में कांग्रेस के कालखंड में जब नियुक्ति की प्रक्रिया होती थी तो पहले क्या सर्च कमेटी होती थी क्या? पहले कोई चयन समिति होती थी क्या? पहले कोई कांग्रेस के समय में न सर्च कमेटी होती थी न चयन समिति होती थी और खाता ना बही जो एक परिवार कहे वही सही होता था दोस्तों यही सही होता था. इसलिए मैं सामने बैठे हुए कांग्रेस के मित्रों विपक्ष के मित्रों से चिंता को बस 1989 में जब चुनाव आयोग में एक सदस्य होता था तो उस वक्त एक ऑफिशियल ऑर्डर के माध्यम से उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने दो लोगों को जोड़ दिया था. उस वक्त नियुक्ति की प्रक्रिया कहां चली गई थी. 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार आई तो उस वक्त फिर एक सदस्य एक मिनट सर हमको संरक्षण दे दिए सर एक मिनट पहले 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार आई तो फिर से एक आयुक्त की नियुक्ति हुई. लेकिन 1993 में जब सेशन के द्वारा चुनाव आयोग की सुधार की प्रक्रिया तेज हुई तो नरसिम्हा राव की सरकार ने जीके वासन आयुक्त को बना करके श्री जीके वासन सर 2 मिनट्स सर एज ए मॉडर्न डेमोक्रेट